अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन। प्राइमरी एजुकेशन जो है इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी हिफाजत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, इस पर आज हम बातचीत करेंगे। तो पहला है यहाँ पर हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ प्राइमरी एजुकेशन एंड व्हाट इज़ द न्यू एकेडमिक पैटर्न। जो नया एकेडमिक पैटर्न जो है 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से वो क्या है, इस पर भी हम आज बातचीत करेंगे। तो मीनिंग ऑफ प्राइमरी एजुकेशन क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन इज़ प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ लर्निंग एंड प्रिलिमिनरी स्टेज ऑफ फॉर्मल स्कूलिंग। इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री प्राइमरी और प्री स्कूलिंग एंड ऑल्सो इट मीन्स installation of third eye and also it is the vaccine to suppress the bad instincts and also it is the LED torch to illuminate the world। मतलब ये कि primary education जो है ये preliminary stage है किसका, formal schooling है। preliminary stage means शुरुआती, बिल्कुल इसमें आगाज़ होता है, इसमें इब्तिदा होता है। एक बच्चा जो है जब स्कूल में प्रवेश करता है, जब स्कूल ज्वाइन करता है, तो तालीमी एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है, इल्म का एक सिलसिला जो है वो शुरू हो जाता है। और है कि इट स्टार्ट्स फ्रॉम प्री प्राइमरी और प्री स्कूलिंग आफ्टर। इट स्टार्ट्स आफ्टर प्री प्राइमरी और प्री स्कूलिंग। प्री प्राइमरी और प्री स्कूलिंग के बाद ही है ये प्राइमरी एजुकेशन जो है इसका आगाज़, इसकी तमहीद होती है, इसकी शुरुआत होती है। और है कि प्राइमरी एजुकेशन जो है इसका बहुत ही बेहतरीन यहाँ पर हमने लिखा है कि इंस्टॉलेशन ऑफ थर्ड आई। जब इंसान प्राइमरी स्कूल में जाता है, जब प्राइमरी स्कूल ज्वाइन करता है, इसका मतलब ये हुआ कि वो अब इल्म के समंदर में चला गया है, एक उजाले की तरफ गया है, एक रोशनी की तरफ गया है। तो इसका मतलब ये है कि इसमें से इंस्टॉलेशन ऑफ थर्ड आई, जब इंसान के अंदर इल्म आ जाता है, ज्ञान आ जाता है, साइंस आ जाता है, तो इंसान की तीसरी आंख जो है वो बिल्कुल उसके अंदर पायवस्त होती है। वो तीसरी आंख क्या है, यानी कि आपको पता ही है कि हम इस नंगी आंख से बहुत कम इस दुनिया को देख पाते हैं। इससे एक कस्म की थोड़ी सी बसारत आ जाती है, लेकिन जो बसीरत है, हम बातचीत करेंगे यहाँ पर कि जो भी माइक्रोबियल वर्ल्ड है उसको हम इस नंगी आँख से नहीं देख सकते हैं, अनएडेड आई से नहीं देख पाते हैं। तो ये एजुकेशन है, एजुकेशन के माध्यम से, एजुकेशन की मदद से हमें माइक्रोस्कोप मिला है, तालीम के ज़रिए से, साइंस के ज़रिए से माइक्रोस्कोप मिला है, टेलीस्कोप मिला है, उससे हम बारीक से बारीक यानी कि माइक्रो चीज़ें जो है वो देख पाते हैं। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं इस वक्त बैठा हूं कि मेरे सामने बिल्कुल हवा जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही है, लेकिन आपको पता है कि हवा जो है ये मिक्सचर है, कि एक आमीज़ा है, इसमें बहुत सारे गैसेस हैं, इसमें ग्रीन हाउस गैस है, इसमें वाटर ड्रॉपलेट्स है, इसमें डस्ट पार्टिकल्स है, इसमें स्मोक है, इसमें स्मॉग भी हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये हम इस नंगी आँख से नहीं देख पाते हैं ये सारा कुछ। ये तो थर्ड आई है, ये साइंस ही है, ये तालीम है जो हमें बिल्कुल इन चीज़ों से जानकारी देती है कि इस चीज़ में ये चीज़ें मौजूद हैं। तो इसी तरह जब हम बीमार हो जाते हैं, कोई एक्यूट प्रॉब्लम हो इंटरनल सिस्टम में, तो हमें वो क्या कहते हैं इसको USG की जाती है। तो USG जो है हमारे जिस्म का अंदरून जो है वो बता सकता है और हर एक चीज़। इसी तरह कोई भी हमें यूरिन एग्जामिनेशन करना हो, विड्रॉल टेस्ट करना हो, कोई चीज़ जो हमारी जिससे में किसी किस्म की भी हार्मोनल चेंज हो या किसी और चेंज हो, तो वो जो है थर्ड आई के ज़रिए से, यानी कि माइक्रोस्कोप के ज़रिए से या टेलीस्कोप के ज़रिए से या और चीज़ों से बिल्कुल हम पता निकालते हैं। चूँकि फल्कियात का सिस्टम जो है, एस्ट्रोनॉमी जो है, वो उससे टेलीस्कोप की मदद से बहुत सारी चीज़ें जो है हम उनकी पहचान कराते हैं दुनिया को भी। और है कि इट इज़ द वैक्सीन टू सप्रेस बैड इंस्टिंक्ट्स। ये जो
जब हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने अंदर एक वैक्सीन पैदा करते हैं, उस वैक्सीन से एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं। तो उन एंटीबॉडीज़ से जो है, जो हमारी बैड इंस्टिंक्ट्स है, जो हमारे बुरे खसायल है, जो हमारी बुरी खसलतें जो है, वो सप्रेस हो जाती है, वो बिल्कुल कंट्रोल में रह जाती है, उन पर हम जबत हासिल कर सकते हैं। वो इल्म की ही मदद से है, वो साइंस की ही मदद से है, वो तालीम की ही मदद से है। वो सारी चीज़ें जो है हम सप्रेस कर सकते हैं। ये तभी मुमकिन है जब हम पहले प्राइमरी स्कूल में, प्राइमरी क्लास में प्रवेश करते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। तभी जो है इल्म का सिलसिला, ज्ञान का सिलसिला, नॉलेज का सिलसिला, साइंस का सिलसिला शुरू हो जाता है। तो है कि और एक चीज़ कि इट इज़ द एलईडी टॉर्च टू एलिमिनेट द वर्ल्ड। जब हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, जब प्राइमरी क्लास में जाते हैं, तो हमने एक टॉर्च, एक कस्म की टॉर्च खरीदी है, एक चिराग खरीदा है। उस टॉर्च को बिल्कुल आगे स्कूलिंग के ज़रिए से, आगे तालीम के ज़रिए से उसको रिचार्ज करना है, उसको चार्ज करना है। तो चार्ज करते समय क्या होता है कि हम सारी दुनिया को जो है बिल्कुल बिल्कुल उजाले की तरफ ले जाएंगे, अंधेरे से उनको, इस दुनिया को बिल्कुल दूर ले जाएंगे, जहालत से, गुमराही से। तो ये एक एलईडी टॉर्च है, यानी कि ये तभी मुमकिन है जब स्कूल में जाएंगे, बिल्कुल स्कूल के अंदर कदम रखेंगे, तो इल्म जो है हमारे अंदर आ सकता है। तो ये इल्म जो है ये सारी दुनिया को रोशन करता है। अब हम यहाँ पर बातचीत करेंगे कि एकेडमिक जो पैटर्न है, पहले जो पैटर्न था सेकेंड हायर सेकेंडरी लेवल तक, वो था कि 10+2 पैटर्न था। अब है कि अब आ गया है नया पैटर्न 5+3+3+4। ये 5+3+3+4 जो है, इसकी हम थोड़ा वजाहत करेंगे। वो क्या है कि प्री प्राइमरी स्कूलिंग या हम प्री प्राइमरी एजुकेशन जो है, वो 3 से 6 साल उम्र में बच्चा जो है हासिल करता है। इसके लिए पीरियड है 3 साल, याद रखिए 3 साल के लिए प्री प्राइमरी एजुकेशन है, ठीक है, या प्री स्कूलिंग है। इसके बाद है फर्स्ट एंड सेकंड प्राइमरी, फर्स्ट एंड सेकंड प्राइमरी, इसके लिए उम्र है 6 से 8 साल तक जो बच्चा है वो इसमें फर्स्ट और सेकंड में प्रवेश कर सकता है, ज्वाइन कर सकता है। तो ये जो है, ये फर्स्ट सेकंड, ये 2 साल का पीरियड है। तो पहले प्री प्राइमरी जो 3 साल की, और फर्स्ट सेकंड जो है वो 2 साल की, इसका मतलब ये 5 साल जो है इसको फाउंडेशनल स्टेज कहा जाता है, फाउंडेशनल कोर्स कहा जाता है नए पैटर्न के हिसाब से। दूसरी बात है कि थर्ड टू फिफ्थ, थर्ड प्राइमरी से लेकर फिफ्थ 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 प्राइमरी तक, तो क्या है कि 8 से लेकर 11 साल के जो बच्चे हैं बिल्कुल तालीम हासिल कर सकते हैं, इस उम्र के बच्चे 8 साल से लेकर 11 साल तक। ये स्टेज जो है ये बिल्कुल इस स्टेज में तकरीबन क्या है कि 3 साल आ जाते हैं। इसके बाद ही 6 से लेकर 8 साल तक, 6 से लेकर 8वीं तक, ये उम्र जो है 11 से लेकर 18 साल तक है। तो इस स्टेज को हम मिडिल स्टेज कहते हैं, ये भी 3 साल का है, ये भी 3 साल का है। तो पहला जो है प्री प्राइमरी और लोअर प्राइमरी जिसको कहते हैं, जूनियर सेकंड, जूनियर प्राइमरी जिसको कहते हैं, वो 2 साल की प्राइमरी, प्री प्राइमरी 3 साल की, को 5 साल हो गया। तो इसी तरह थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ये भी 3 साल का पीरियड है, इसको हम थोड़ा सीनियर सेकंड, सीनियर प्राइमरी कहेंगे। तो इसके बाद है 6th, 7th एंड 8th जो है, इसको हम बिल्कुल मिडिल स्टेज कहते हैं, मिडिल स्टैंडर्ड कहते हैं, ये भी 3 साल का है। इसके बाद आ जाती है 9th to 12th क्लासेस, 9th से लेकर 9th, 10th, 11th एंड 12th, ये 4 साल का पीरियड है। इसमें से बच्चे किस उम्र के आते हैं, फ्रॉम 14 ईयर्स टू 18 ईयर्स, इस स्टेज को हम सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। तो ये नया पैटर्न आया है नई एजुकेशन पॉलिसी में 2020 की जो है। इसी तरह है कि अब हम बात करेंगे कि नीड एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ प्राइमरी एजुकेशन।
अब अहमियत क्या है और ज़रूरत क्या है, इफादत क्या है कि प्राइमरी एजुकेशन की, वह है कि टू ब्रॉडकास्ट और सॉ द सीड ऑफ साइंस एंड ह्यूमनिटी इन द सोल ऑफ ए चाइल्ड। एक बच्चा जो है उसके सोल में, सोल कहते हैं यानी कि दिल और दिमाग से सोल बनता है, अंदर का सॉफ्टवेयर जो है, अंदर की सब्जेक्टिविटी जो है, इसमें से बीज बोना है। वो किसका बीज बोना है? साइंस का। साइंस कहते हैं ज्ञान को, साइंस कहते हैं इल्म हासिल करने, साइंस कहते हैं पहचान को, ठीक है, टू नो समथिंग, एंड ह्यूमनिटी और इंसानियत का, ठीक है। तो साइंस से मुराद है कि दुनियाई तालीम, और ह्यूमनिटी जो है, ह्यूमनिटी जो है बिल्कुल जो है हमारे जो जो इंसानियत जो है, एक्चुअल इंसानियत जो है उससे बिल्कुल ये इसका यहाँ पर हम माने निकाल सकते हैं, अखज़ कर सकते हैं। तो पहले हमने एक लेक्चर में कहा था कि प्रीप्राइमरी में एक ह्यूमस बेड जो है, सॉयल बेड जो है वो तैयार किया जाता है, वो एक डिमार्केशन है एक प्लिंथ की। तो यहाँ पर जो है उस बेड में से सीड्स जो है वो बो दिए जाते हैं, वो ब्रॉडकास्ट किए जाते हैं, वो सॉव किए जाते हैं। वो हमने यहाँ पर जिक्र किया है कि साइंस का और ह्यूमनिटी का, इन दी सोल ऑफ ए चाइल्ड, उसके दिल में और दिमाग में यही सोल बनता है, यही सब्जेक्टिविटी है, ये इनर वॉइस है, ये कॉन्शियस है, ठीक है। तो और एक चीज़ है कि प्राइमरी एजुकेशन इज़ द प्लिंथ ऑफ ए प्लिंथ और फाउंडेशन। प्रीप्राइमरी की बात जब हमने की थी वो हमने उस वक्त कहा था कि ये एक डिमार्केशन है उस प्लिंथ की, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन जो है वो बिल्कुल ये प्लिंथ है, उस पर, उस डिमार्केशन पर हम आज प्लिंथ बनाने जा रहे हैं, और ये एक फाउंडेशन है, एक मजबूत बुनियाद है। इसके बाद है कि अल्टीमेट इल्यूमिनेशन एंड अवेयरनेस, ये बिल्कुल हतमी और सरापा नूर है प्राइमरी एजुकेशन, एंड अवेयरनेस और बेदारी है। इसके बाद इट इज़ द ऑनसेट ऑफ इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी एंड इग्नोरेंस, ये शुरुआत है, ऑनसेट कहते हैं शुरुआत की, इब्तिदा की, ये कमांसमेंट है। इरेडिकेशन ऑफ इलिटरेसी, उस इलिटरेसी को, उस जहालत को, उस गुमराही को, उस इग्नोरेंस को, उस नाखानदगी को, इलिटरेसी को इरेडिकेट करना है, जड़ से उखाड़ना है। ये ऑनसेट है, शुरुआत है उस इलिटरेसी की और इग्नोरेंस की। इसी तरह इलिटरेट्स आर सेड टू बी गुड फॉर नथिंग, इलिटरेट हम नाखानदा शख्स को कहते हैं। जो नाखानदा शख्स जो होते हैं, अगर वो लेबरिंग करता है, मजदूरी करता है, तो वो एक आइडियल सिटीज़न है। किसी वजह से, चाहे गुर्बत की वजह से या किसी और मसले की वजह से, वो अपनी तालीम जो है जारी नहीं रख पाया है, उसको हम इलिटरेट कहते हैं। लेकिन अगर वो समाज को किसी तरह से बिल्कुल अपनी काविशों से, अपनी कोशिशों से बिल्कुल मदद करता है, लोगों की मदद करता है, लोगों की खिदमत करता है, तो वो एक आइडियल पर्सन है। लेकिन इलिटरेट यहाँ पर यानी कि इंसान जो है बिल्कुल बेकार बैठा है, बिल्कुल इलिटरेट है, इलिटरेट के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं बेकार बैठने के। तो यहाँ पर जो है इलिटरेट्स आर सेड टू बी गुड फॉर नथिंग, ये बिल्कुल नाकारा लोग होते हैं, निकम्मे लोग होते हैं। लेकिन शर्त ये है कि अगर ये सोसाइटी में किसी भी काम के हैं तो गुड फॉर नथिंग नहीं है। लेकिन ये आजकल डिमांड कर रही है कि आजकल का कोई भी बच्चा जो है इलिटरेट नहीं होना चाहिए, और बिल्कुल उसमें एजुकेशन एक है और लिटरेसी अलग है। लिटरेट तो होना चाहिए, उसको खानदा कहते हैं, खानदा यानी कि जिसमें एक रीडिंग, राइटिंग एंड अर्थमेटिक, ये तीन चीज़ें आनी चाहिए। तो एजुकेशन एक वास्ट टर्म है। फिर इसी तरह प्रिवेलिंग लाइफ डिमांड्स लिटरेट लेबरर्स एज वेल, आजकल की जो दुनिया है इसमें अब लेबरर्स जो भी हैं वो भी लिटरेट होने चाहिए, वो भी पढ़े लिखे होने चाहिए, क्योंकि आजकल की जो लेबरिंग है वो सारा जो है बिल्कुल मशीनों से चलता है, इसमें सोफिस्टिकेटेड मशीनें आ गई है। अब जो मजदूरी का काम जो है, अब मैनुअल तो बहुत कम है, हाथ से कम होता है, लेकिन मशीनों से ज़्यादा होता है। तो मशीन जो है एक लिटरेट शख्स ही चला सकता है। और एक चीज़ है कि आइडल माउथ्स आर सेट टू बी द बर्डन ऑन फैमिली, लैंड,
नेचुरल मैन मेड रिसोर्सेज। ये जो बेकार शख्स जो होते हैं समाज में, खानदान में, एक कौम में, इनको बिल्कुल बर्डन कहा जाता है। ये बोझ है फैमिली पर भी, अपने माँ बाप पर भी, लैंड या ज़मीन पर भी, धरती पर भी, नेचुरल रिसोर्सेज पर भी और मैन मेड रिसोर्सेज पर भी। आइडल माउथ बहुत ज़्यादा चांसेस उसी के हो सकते हैं जो इलिटरेट हो सकते हैं। तो लिटरेट जो हो, जो एजुकेटेड हो, उसके कम चांसेस हैं आइडल माउथ रहने की, ठीक है। इसके बाद है इट इज़ दी पासपोर्ट। ये प्राइमरी एजुकेशन जो है इसमें बिल्कुल, ये हमने आपको पहले ही कहा है कि एक पहला पायदान है, ये पहली एक सीढ़ी है, ये पहला एक स्टेप है एजुकेशन की तरफ, तालीम की तरफ, रोशनी की तरफ, उजाले की तरफ, साइंस की तरफ, ठीक है, एक बिल्कुल तरक्की की तरफ। तो एक पासपोर्ट सा है प्राइमरी एजुकेशन में हम आ गए, प्राइमरी एजुकेशन हमने हासिल की है, तो एक पासपोर्ट है, ये एक आइडेंटिटी कार्ड है, एक आइडेंटिटी है, एक सनद है, एक सर्टिफिकेट है फॉर डिग्निफाइड लाइवलीहुड। तो जब एक बच्चा जो है जब स्कूल गया है तो बहुत ज़्यादा चांसेस है बिल्कुल जो है स्कूलिंग बिल्कुल इख्तिताम करेगा, तब तक जब तक न वो किसी अच्छे बिल्कुल प्रोफेशन को हासिल कर सकता है, एक अच्छे वोकेशन को हासिल कर सकता है, एक अच्छे पेशे को हासिल कर सकता है, समाज की भी खिदमत करेगा, अपने माँ बाप की खिदमत करेगा, अपनी सोसाइटी की भी खिदमत करेगा। तो एक डिग्निफाइड लाइवलीहुड जो है इसी से बन पाएगा, लिटरेसी से। बाइज्जत शहरी कहलाएगा, अगर मजदूर भी हो, एक बाइज्जत मजदूर हो, किसी भी प्रोफेशन में हो, बाइज्जत कहलाएगा, ठीक है। तो ये जो है ये प्राइमरी एजुकेशन जो है टू फुलफिल ब्रेड एंड बटर एम इन लाइफ। जब प्राइमरी एजुकेशन हम हासिल करेंगे, बिल्कुल जाएंगे स्कूल, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है, ब्राइट चांसेस है, इससे जो है ब्रेड एंड बटर एम ऑफ लाइफ जो है, वोकेशनल एम ऑफ लाइफ जो है वो भी हासिल हो सकेगा इंसान को, यानी कि वो ज़िंदगी में बेकार तो नहीं रह सकेगा, बिल्कुल अपनी बिल्कुल खुददारी से ज़िंदगी के जो लवाजमात हैं, ज़िंदगी की जो बेसिक नीड्स है वो बिल्कुल अर्न कर सकता है, अपनी रोज़ी रोटी जो है, अपनी रूखी सूखी जो है बहुत ही अच्छी तरीके से इज्जत के साथ कमाएगा। इसी तरह गेटिंग प्राइमरी एजुकेशन इज़ सेल्फ हेल्प। ये प्राइमरी एजुकेशन हासिल करना जो है ये अपनी मदद आप करना है, अपनी मदद आप करना, ठीक है। तो और एक चीज़, प्रिवेलिंग लाइफ डिमांड द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो आजकल की दुनिया जो है, आजकल की जो लाइफ है, इसमें वही आगे जा सकता है जो बिल्कुल हर लिहाज से बिल्कुल फिट हो, हर लिहाज से कैपेबल हो, टैलेंटेड हो, किसी भी जगह पर एडजस्ट हुआ होता हो, तो सर्वाइवल यानी कि बिल्कुल वही जी सकता है, वही इस दुनिया में ज़िंदा रह सकता है, जो क्या है कि अपनी जो एडजस्टमेंट अच्छी तरीके से इस दुनिया में करे, जो तालीम हासिल कर सके, जो खानदगी हासिल कर सके, जो अनपढ़ रह गया है, जो नाखानदा रह गया है, उसके कम चांसेस है इस दुनिया में सर्वाइव करने के, क्योंकि मेरे ख्याल से, मेरा गालिब गुमान है कि बिल गेट्स ने कहा है कि इफ़ यू आर बॉर्न पुअर इट्स नॉट योर फॉल्ट, बट इफ़ यू डाई पुअर इट्स योर फॉल्ट। अगर तुम गरीब पैदा हुए हो, अगर तुम गरीब घर में पैदा हुए हो, ये आपकी गलती नहीं है, लेकिन अगर आप गरीब मर गए, ये आपकी गलती है, ये आपकी गलती है। तो इसी तरह है श्रिकिंग फ्रॉम प्राइमरी एजुकेशन इज़ दी सोशल क्राइम एंड नेशनल क्राइम। श्रिकिंग मीन्स जी चुराना, बाज रहना, मरहूम रहना बिल्कुल किससे, तालीम से। तो प्राइमरी एजुकेशन जब एक बच्चे ने हासिल नहीं की तो वो उसने जी चुराया, उसके माँ बाप ने जी चुराया, तो ये एक सोशल समाजी जुर्म है और एक कौमी जुर्म भी है। लिटरेट स्किल्ड टैलेंटेड मैन फोर्स आर द एसेट ऑफ द प्रॉस्पेरस नेशन। जो लिटरेट, जो खानदा हों, जो स्किल्ड हों, जो हुनरमंद हों, जो टैलेंटेड हों, जिनमें सलाहियत हो, मैन फोर्स जो है वो एक प्रॉस्पेरस, खुशहाल और तरक्की याफ्ता कौम का एक असासा है, एक
असासा है, बेहतरीन असासा है, लिटरेट लोग, स्किल्ड लोग, टैलेंटेड लोग। इसी तरह प्रॉस्पेरिटी, प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट, चाहे खुशहाली हो, किसी तरह की तरक्की हो, डेवलपमेंट हो, डिपेंड सोलली, ये बिल्कुल महज और सरासर जो है इसका दारमदार जो है ऑन एजुकेशन एंड लिटरेसी। तो तालीम हासिल करना हम पर बिल्कुल फ़र्ज है। तो आज के लिए बस इतना ही। आप खुश रहो और खुशहाल रहो।